नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दरअसल कोरोना महामारी के बीच नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चक्कर में 5 दिन से बर्फ की सिल्ली पर रखकर बॉडी कर रही है पोस्टमार्टम का इंतजार। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक डेड बॉडी डिफ्रीजर न होने के कारण बर्फ की सिल्ली पर रखी हुई देखी गई। भीषण गर्मी में डेड बॉडी में आने लगी है बदबू। इससे भी बड़ी लापरवाही देखने को जब मिली कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यूज की हुई पीपीई किट पड़ी हुई देखी गई। आखिर ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी से कैसे जीता जाएगा? इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? पोस्टमार्टम प्रभारी रविकांत दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया, प्रतिदिन 12 बॉडियां पोस्टमार्टम के लिए आती हैं और डिफ्रीजर मात्र 6 हैं, जिसमें एक खराब पड़ा है। ऐसी स्थिति में मजबूरी में डेड बॉडी बर्फ की सिल्ली के ऊपर रखी जा रही है। कोरोना की रिपोर्ट देरी से आने के चलते बॉडियों के पोस्टमार्टम 3 दिन में हो पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। उसकी बात की जाए तो कितनी बॉडियां पर डे आती हैं और उनके रखरखाव के क्या इंतजाम? पर डे का एवरेज लगभग 10-11 पीएम पोस्टमार्टम का हो रहा है। क्या रखरखाव के इंतजाम कर रखे हैं आप लोग? रखरखाव के लिए डिफ्यूजर सब व्यवस्था हो रखी है। 6 बॉडी का डिफ्यूजर हमारे यहाँ जो करीब अभी फिलहाल खराब हो गए थे, लेकिन कल 5 बॉडी का चैम्बर चालू हो गया है। तो अभी जैसे 12 बॉडी मौजूदा हालात में बर्फ पे रखने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? जब डिफ्यूजर खराब हो जाता है तो बर्फ रखना आवश्यक होता है, क्योंकि बॉडी को ठंडा रखना जरूरी होता है। तो क्या डीकम्पोजिशन हो, ऐसे में कुछ बॉडियाँ सड़ भी रही हैं? हमारे यहाँ तो नहीं सड़ रही, लेकिन मलखानसिंह से आती हैं, जहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है वो बॉडियाँ सड़ी हुई आती हैं। हम तो संबंधित थाने से स्पेशली क्या करके बर्फ लगवा देते हैं, जिससे कि ऐसी डीकम्पोजिशन वाली बात ना हो। तो ये समस्या कब से आ रही है और पोस्टमार्टम क्या कोरोना की रिपोर्ट का इंतजार क्या क्या दिन करना पड़ रहा है? कोरोना का रिपोर्ट जब आती है तभी हो पाता है, अगर सैंपल लग गया है तो। अगर सैंपल नहीं लगा, बिना कोरोना कर रहे तो हो रहा है। क्या क्या ये अधिकारियों के डायरेक्शन होते हैं, इसमें जांच होनी है कि नहीं होनी है, ये अधिकारी लेवल की बात। तो क्या क्या दिन में रिपोर्ट आती है कोरोना की? रिपोर्ट जो आती है कोरोना की पोस्टमार्टम के संबंध में तो 2 दिन में आ जाती है, कभी 3 दिन में आती है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 4-5 दिन में आई। अभी एक बॉडी अतरौली की है जिस बता रहे हैं 5 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसको। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोरोना की किट आती है और वो यहीं पर पड़ोगी देखी जा रही है, वो जिनमें कोरोना का पॉजिटिव है भी जो किटें यहीं पर पड़ूंगी अभी भी, ऐसी तो मेरी जानकारी नहीं है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है किट में आई बॉडी। बॉडी रखी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, आने से पहले बॉडी संबंधित पुलिस ला कर रखती है, हमारे यहाँ पेपर लेते हैं, बॉडी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। वहीं अमेनिशा के रहने वाले शफीकुर रहमान की संदिग्ध परिस्थितियों में 5 दिन पहले मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोरोना रिपोर्ट के चलते परिजन लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन 500 बर्फ की सिल्ली के लिए और देने पड़ते हैं। परिजनों ने बताया है कि हम लोग काफी परेशान हैं पोस्टमार्टम को लेकर। मेरा नाम डॉक्टर FZ खान है, मैं बेगपुर गली नंबर 3 से हूँ। जो ये शरीफ अहमद है, शरीफ अहमद एज लगभग 50 साल है, ये मैरिस रोड में जो अब्दुल्ला नर्सरी के पास बैठे हुए थे, अटेंडम उनको जो है फीवर हुआ या सन स्ट्रोक हुआ, किससे वो जो है गिर गए। वहाँ पर मौजूद लोगों ने 108 नंबर को कॉल की, वो तत्काल जो है एम्बुलेंस आई और उनको मलखान सिंह ले गई। मलखान सिंह में जब यहाँ से परिवार वालों को पता चला तो पहुँचे तो वहाँ जो पता चल गया कि वो जो है डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद फौरन जो है उनको जो है ये हुआ कि इसका जो है पंचनामा भरा जाएगा, इसकी पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर डेड बॉडी रखवा दी गई। आज 5 दिन, 18 से 22 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी डेड बॉडी का जो ना पोस्टमार्टम हुआ है ना उसकी COVID-19 की कोई रिपोर्ट आई है, जिससे जो है बहुत गरीब परिवार है, दूसरे के घरों में काम अपना काम धंधा करता है, उससे उनका गुजारा भत्ता चल रहा है, जो कि प्रशासन द्वारा ये है कि उनसे डेली जो है मतलब 250 रुपये शाम में, 250 रुपये सुबह में लिया जाता है कि बर्फ़ की सिल्ली लगाने के लिए, जो कि ये जो है शासन द्वारा ये सब बिल्कुल जो है गलत है। और ये इसकी जो है साफ भी इनका जैसे भी उनको न्याय दिलवाइए आप अपने माध्यम से उठा करके। हम जो है अभी DM महोदय के पास गया था मैं, तो DM महोदय जी ने तत्काल JNMC मेडिकल के जो प्रिंसिपल साहब है हारिस सर, उनसे बात की है कि आप उनसे जाइए कि उनसे कोरोना की रिपोर्ट का अपडेट लीजिए। अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनका पोस्टमार्टम हुआ। हमारा वो वहाँ पे था, वो अब्दुल्ला नर्सरी पे, उसकी कोई ऐसा बीमार नहीं था, वो उसका थोड़ा बहुत वो हुआ, किसी ने करके वहाँ तो बुला के गाड़ी उसको भेज दिया। भैया वह
उसको मलकान सिंह में 4 बजे ले गए, 11 बजे उसको कह दी कि हम लोगों को फोन करे, खत्म हो गया। जहाँ हमें कुछ भी नहीं, हमने 5 दिनों का यहाँ 5 दिन से बॉडी है यहाँ पे, 5 दिन से क्या कह रहे हैं ये लोग हैं, क्या बता, बर्फ लगा दे, हम 500 रुपए रोज का बर्फ लगवा रहे हैं दोनों टेम का जाए, बॉडी नहीं दे रहे, वहाँ से सैंपल वैम्पल कुछ नहीं, रिपोर्ट आएगी हम ले रहे पैसे, हम कर्जा कर रहे हैं, 2 सिल्ली आती है 50 रुपए किराए के आते हैं, दोनों लगा लगा के चले, 500 रुपए रोज लग लग के जा रही है बॉडी पे। कितने दिन हो गए पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं, हाँ सैंपल आ रहा है, हाँ रिपोर्ट आ रही है, कुछ नहीं।